हाय दोस्तों, क्या हालचाल। होप करता हूँ आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। अभी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ने रिसेंटली एक ऑर्डर रिलीज किया जिसमें क्रिएशन ऑफ 840 पोस्ट्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में कुछ आया हुआ है। नहीं, मैं नहीं मानता। इस ऑर्डर को लोगों ने इतना ज्यादा वायरल कर दिया है कि पूछो मत। मतलब हर जगह ये ऑर्डर नजर आ रहा है, हर यूट्यूबर इस पे वीडियो डाल रहे कि वैकेंसी आने वाली है, 840 वैकेंसी आ रही हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अब सब लोग इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो ही लेता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ATC पोस्ट्स के बारे में, ठीक है, और अपकमिंग वैकेंसीज और जो भी आपके क्वेरीज आते रहते हैं मेरे पास इस पर्टिकुलर ATC की वैकेंसी से रिलेटेड, उस पे आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले इस ऑर्डर से ही शुरू करते हैं। ये ऑर्डर 29 अगस्त 2024 को आया था। इसमें टोटल 840 सीट्स क्रिएट हुई हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डिपार्टमेंट, मतलब ATM डिपार्टमेंट में। तो जिसमें आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, AGM और DGM सबकी कंबाइंड होके 840 बनी है। सीनियर मैनेजर में E4 E5 लिखा हुआ है। E4 मतलब सीनियर मैनेजर और E5 मतलब AGM। तो इन सभी पोस्ट की कंबाइंड सीट्स निकली हैं 840। अब बात करते हैं सीट्स क्रिएट कैसे हुई हैं। तो ATC डिपार्टमेंट में बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव की कोई रिक्रूटमेंट होती नहीं है, तो उनकी जो भी वैकेंट सीट्स थी नॉन एग्जीक्यूटिव की, उन्हीं सब सीट्स को उन्होंने कन्वर्ट कराया है एग्जीक्यूटिव में। तो ये जो 840 हुई हैं, ये बहुत सारी नॉन एग्जीक्यूटिव जो ATC डिपार्टमेंट में सीट्स थी उनको कन्वर्ट करके 840 एग्जीक्यूटिव लेवल की सीट्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। अब आपके काम की ये पूरी 840 सीट्स नहीं है, आपके काम की है ये 215 सीट्स जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैं। जब भी ATC की रिक्रूटमेंट होती है हमेशा JEE ATC की ही एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है। तो इस बार जो सीट क्रिएट हुई है वो 215 हुई हैं। तो अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा ATC का, उसमें कम से कम आपकी 215 सीट्स तो आने वाली हैं। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं YouTube पे, मैंने देखा कि ये आपके लिए आखिरी मौका है 215 सीट्स का, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जिन्होंने 2021 में ज्वाइन किया होगा JEE ATC पे, वो 24 में प्रमोट हो गए होंगे असिस्टेंट मैनेजर पे, तो उसकी कुछ सीट्स खाली हुई होंगी। जिन्होंने 22 में ज्वाइन किया होगा वो 25 में असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, तो उनकी सीट्स खाली होंगी। फिर ऐसे 23 में भी जिन्होंने ज्वाइन किया होगा वो 26 में खाली करेंगे। तो ऐसे हर साल कुछ ना कुछ सीट्स खाली होती रहती हैं। तो ATC की रिक्रूटमेंट भी रेगुलरली हर एक या दो साल में होती रहती है, मतलब एक से दो साल में इसका एडवर्टीजमेंट आता ही रहता है, लगभग हर साल आता है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आखिरी मौका है, बट ये भी काफ़ी अच्छी खासी सीट्स आएंगी इस बार। इसके अलावा ये जो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और जो सीनियर लेवल की जो पोस्ट हैं, ये तो प्रमोशन पे बनती हैं। जैसे JEE ATC से आप 3 साल के बाद बनोगे AM ATC, मतलब असिस्टेंट मैनेजर ATC, फिर उसके बाद 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे मैनेजर ATC के लिए। ऐसे जैसे जैसे सीट्स खाली होती हैं ऊपर, उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता रहता है, आप 3 साल में प्रमोट होते हो। मैंने सब चीज़ों पर वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं, है ना। अगर आप देखना चाहो तो मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं ATC डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ATC डिपार्टमेंट में रेटिंग अलाउंस भी मिलता है, आपको पता होगा। तो ATC में और CNS में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है जो ज्वाइन करते गेट के थ्रू, तो सिर्फ JEE ATC और JEE इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों को रेटिंग अलाउंस मिलता है AAI में, और किसी को नहीं मिलता है। तो रेटिंग अलाउंस जो अभी तक मिल रही थी उसमें एक अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है कि उनका रेटिंग अलाउंस लगभग इनकी डबल होने वाली है। किसी को अगर 10,000 मिल रही थी तो वो 20,000 मिलने लगेगी, किसी को 20,000 मिल रही थी तो 40,000 मिलने लगेगी, तो ऐसे ही है। किसी को 25 मिल रही थी तो 50 मिलने लगी, तो 50 मैक्सिमम रेटिंग मिलेगी अब सीनियर लेवल पे ATC डिपार्टमेंट में। और कुछ लोग ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं कि गेट के थ्रू ATC बनना ज़्यादा सही रहेगा या ATC के एग्ज़ाम के थ्रू ATC बनना सही रहेगा। गेट के थ्रू आप ATC डिपार्टमेंट में नहीं जाते हो, गेट के थ्रू आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाते हो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। AI के पास काफ़ी सारे काम हैं, जिसमें से एक आपका एयर नेविगेशन सर्विसेज है, ANS सर्विसेज आपकी ATC और CNS मिलके प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा AI का काम एयरपोर्ट बिल्ड करना, मेंटेन करना और उसे ऑपरेट करना भी है। तो इन सभी काम के लिए और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे जो आपका कॉमन कैडर की जो रिक्रूटमेंट हुई थी, तो कॉमन कैडर वाले ऑपरेशंस देखते हैं। वैसे हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल है। गेट के थ्रू आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, जिसमें इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना, सिविल हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी गेट के थ्रू हुआ है, आर्किटेक्चर भी गेट के थ्रू हुआ है। तो गेट
के थ्रू आप इंजीनियरिंग डोमेन वालों को एआई में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एआई की बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और सभी में जो रिक्रूटमेंट होती है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही होती है। हर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर होती है। और किसी ने कभी मुझसे ये भी कमेंट में पूछा था कि जूनियर एग्जीक्यूटिव से प्रमोट होके एटीसी कितने टाइम में बनते हैं। क्या बात कर रहे हैं? भाई एटीसी भी जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है और दूसरे डिपार्टमेंट का जूनियर एग्जीक्यूटिव भी जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। इट्स अबाउट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं पर डेजिग्नेशन सेम है। सभी की रिक्रूटमेंट जूनियर एग्जीक्यूटिव से होती है। किसी दूसरे डिपार्टमेंट का जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी डिपार्टमेंट का जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। अगर दूसरे डिपार्टमेंट से आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी पे आना है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जेई एटीसी वाला। वो एग्ज़ाम दे के ही आप बन सकते हो एटीसी डिपार्टमेंट में। एटीसी से रिलेटेड आपको जो डाउट्स थे, होप करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। 2023 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी जेई एटीसी की, उसका फाइनल रिजल्ट तो आ गया था काफ़ी टाइम पहले, पर अभी तक उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिला है किसी भी कैंडिडेट को। तो वो भी अब जल्दी ही आ जाएगा, इसी साल में आ जाएगा वैसे। क्या बोला तूने? इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं देखूंगा। उस पे भी हो सकेगा तो वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।